हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन सरोहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो अगेन सेम टॉपिक, एक्सेल, हाउ टू ट्रेड विद एक्सेल, हाउ टू वर्क विद दैट, हाउ टू एनालिसिस आर एक्सेल। और आज हमने थोड़ा सा इशू था, हम लोग यहाँ पे एक्सेल पे मैसेज छोड़ते थे तो लोगों को कुछ इश्यूज हैं कि जब चैट बॉक्स ओपन होता है तो वो दिखाई नहीं देता। सम टाइम SLT लेवल सुबह सुबह देखने हो तो चैट बॉक्स नहीं ऑन करते, तो SLT लेवल का इशू आता है। SLT लेवल यहाँ भी देख सकते हैं, और एक कॉलम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है SLT और SLT 2। ये सुबह सुबह आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो सुबह मॉर्निंग में आपको देखने हैं और उसी के ऊपर ट्रेड करना है, SLT और SLT 2। आज हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें कुछ पेड मेंबर और कुछ नॉन पेड मेंबर भी हैं। नॉन पेड मेंबर 1-2 दिन के अंदर वहां से निकाल दिए जाएंगे, जब अगर वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो काफी लेस हैं। जो लोग लाइव ट्रेड करते हैं, कुछ लोग एल्गो ट्रेड करते हैं, तो उनको उस चैनल में ऐड करने का जरूरत भी मैं नहीं समझता, तो बहुत कम लोग हैं वो। 2 दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए जो भी ऑल मेंबर्स हैं तो वो ध्यान दीजिए उस पर। एक बात तो, स्ट्राइक प्राइस आपको कहीं ना कहीं आपको पता करना पड़ेगा या मैसेज सेंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस। और सिंपल स्ट्राइक प्राइस चूज करने का एक ही तरीका है, अगर आप कोई मैसेज देखते हैं तो ATM स्ट्राइक प्राइस 920 का, जो भी ATM स्ट्राइक प्राइस हो उसी की वैल्यू के ये लेवल्स रहेंगे। आपको इंडिविजुअली रिप्लाई भी नहीं किया जाएगा, ट्रीट भी नहीं किया जाएगा। सो आप स्ट्राइक प्राइस अगर आपको चूज करना है तो आप सिंपली 9:15 का जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का क्लोज होता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्राइक प्राइस देख लीजिएगा। अगर कोई हमारा मैसेज आता है या कोई किसी क्लाइंट का मैसेज आता है या कोई लेवल आता है तो हम उस पर लेवल ट्रेडिंग के बारे में आपको गाइड करेंगे कि बाय एंट्री 2 लेवल आ रहा है, बाय एंट्री 1 लेवल आ रहा है, आप उस पे सीई पे और पीई पे ध्यान दीजिए या हेज कीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कई दिन में थोड़ा सा समथिंग मेडिकल इश्यूज था, कुछ इश्यूज थे टाइमिंग का भी और चीज़ों का भी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज फिर स्टार्ट हुआ सुबह 9:30 के आसपास, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल थी और 9:30 पे एग्जैक्टली मैंने मैसेज किया, यहाँ पे कुछ लोग थे, प्लीज चेक द स्ट्राइक, ऐसे ये 9:30 का मैसेज है और सम इशू टू अपडेट। 9:15 पे अपडेट नहीं हुआ, पता 9:30-31 पे अपडेट हुआ था एक्सेल हमारा। तो जैसे ही अपडेट हुआ है, अपडेट होने के बाद तुरंत बाद बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टुडे, हम बैंक निफ्टी और निफ्टी टुडे, मतलब ये है कि आज हम बैंक निफ्टी निफ्टी करेंगे। और इंस्टेंटली मैंने करीब, दोनों का भाव चल रहा था, एक का 141 था, एक का 105 और 106 चल रहा था। सो वहां पे मैंने दोनों को 125 130 पे दोनों को हेज करवाया बैंक निफ्टी को। उसके दो रीजन थे और दोनों रीजन मैं अपने क्लाइंट्स को बताना चाहूंगा, अपने जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं उनको बताना चाहूंगा कि दोनों में इशू क्या था। जब मॉर्निंग में हम ट्रेड कर रहे थे दोनों का प्राइस, आई थिंक 9:40 पे मैंने एग्जैक्टली हेज करवाया। आप देखिए, लो है 99 और हाई है 144, तो बीच में ही सेंटर लाइन पे 120 के आसपास जब दोनों का प्राइस मैच कर रहा था, दोनों प्राइस के साथ साथ चल रहे थे, तो दोनों के प्राइस गिर भी रहे थे। अगर आप देखेंगे आज दोनों का प्राइस गिरा है सुबह सुबह, ये देखिए इसका लेवल भी सेम टाइम पे SLT लेवल के नीचे, उसका लेवल एक बार ऊपर था, उसके बाद सेकेंड कैंडल से वो भी नीचे, ऑल आर 150 बिलो SLT और SLT 2। अब ये प्राइस जब नीचे गया तो मैंने यहाँ कहीं हेज कराया और इस लेवल पे, हाँ 105 और 107, 9:30 पे मैंने स्टार्ट किया था, तो 9:30 पे मैंने एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास कहीं मैंने हेज करवाया था। और हेज करने के बाद आप देख सकते हैं क्या हुआ, 7:30 का हाई। ठीक है, मैं मानता हूँ वो पूरा बुक नहीं कर पाएंगे, पूरा कोई नहीं बुक कर पाता, लेकिन मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे मैसेज भी किए थे और मैंने कहा भी था कि 91 to 120, ये निफ्टी के में निफ्टी चल रहा था कि 91 पे निफ्टी चल रहा है, तो यहां पे मैंने दोनों कंडीशन लिखी है, बैंक निफ्टी हैज बोथ बाय नेकेड पीई फर्स्ट। अगर आपको डाउट है तो पीई को फर्स्ट आप बाय कर सकते हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो पीई कीजिए, अगर आप ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस कटवा चुके हैं तो आप हैज कर लीजिए। तो मैंने पीई किस वैल्यू पे दिया था, उस टाइम उसका प्राइस चल रहा था 120 के आसपास। अब हम पीई को देख लेते हैं पहले, तो पीई का आप देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट लो क्या लगाया, 97, राइट। मेरा वैल्यू क्या था, 100.05, तो 97 का एग्जैक्ट लो लगाया, क्लोज दिया 107। नेक्स्ट कैंडल का ओपन क्या है, ओपन प्राइस इज 104.95, इज अबो माई लेवल। इमीडिएटली आई टेल देम द पीपल, ओके ये वैल्यू पे आप बाय करें, अगर नेकेट बाय करना है तो आपको पी बाय कीजिए, अदरवाइज आप हेज कर लीजिए अगर आपको रिस्क लेने से प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए सिंपल लिखा है मैंने, हेज बोथ
और बाय नेकेड पीई फर्स्ट, पहले पीई बाय करें, अगर वो वापिस जाता है रिस्क होता है तो आप हेज कर भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो रिस्क तो यहां कुछ भी नहीं था, जीरो रिस्क था। उसके बाद एक बार भी मार्केट इस कंडीशन में लो पे नहीं आई, हमारा स्टॉप लॉस था करीब, अगर एक्सेल में देख लीजिए 100 रुपीज का एसएलटी था, 100 रुपीज का 88.55 का हमारा एसएल था, तो 12-13 पॉइंट का एसएल था, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं था बैंक निफ्टी के लिए। इमीडिएटली मार्केट कंटिन्यूसली गोज अप गोज अप आफ्टर 20-30%। मैं सबको बोलता हूं ट्रेल कीजिए 5-7% का, जितना लंबा चल सके चल पाए। तो कुछ लोगों ने 250 पे एग्जिट किया, कुछ लोगों ने 350 पे किया, कुछ मेरे ग्रुप के जो लोग थे वो अप्रोक्सीमेट 303, मैंने एक ट्रेलिंग बोला था कि ट्रेलिंग स्टार्ट कीजिए 303 का, वो ट्रेलिंग शायद बहुत सारे लोगों का कटा। देखिए 200 इज अ न्यू हाई पी, निफ्टी इज 92-120, 236, निफ्टी 135, स्टॉप लॉस 206 और 9, राइट 253, 132 एसएल। जब 253 गया तो 132 का मैंने एसएल कराया, 270 गया, मैं एसएल को ट्रेल करते जाइए जितना हो सके। 146 गया, 250-152 एसएल कीजिए, निफ्टी में 146 चला गया, वो 270 गया, तो मैंने 250-152 का किया। नया हाई जब बना 282 का बना, 305, 3226, 303 एसएल। सो यहाँ पे एक एसएल का एक प्रोबेबिलिटी मुझे लगता था कि यहाँ पे हिट हुआ है, और हुआ भी वो बहुत सारे लोगों का, लेकिन मोस्टली लोग कोई 250 पे निकल गए, कोई 220 पे निकल गया, जिसको जहां पे ठीक लगा वहां पे निकले। जिन लोगों ने हेज किया था उनके लिए तो सेफ पोजीशन थी। अब हेज में एग्जैक्टली हमें मिला क्या, हेज में आप देखेंगे 333 का हाई लगा था, फर्स्ट हाई 333 का था जब मैंने हेज की पोजीशन बनाई। आप देखिए 333 द हाई वैल्यू इज 333 एग्जैक्टली, सो 333 पे 306 का स्टॉप लॉस कैरी करेंगे। तो 333 पे हुआ क्या, 120-120 था और दूसरे का प्राइस 40 चल रहा था। आप इसी कंडीशन में आप उसका भी प्राइस देखिए, मैं दोनों का प्राइस मैच कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसका प्राइस 33 था, उसका अपर वैल्यू का प्राइस देखिए, लो वैल्यू है 38, क्लोज है 44, सो लो ही होगा ना, 38 पे आपका उसको कटेगा, यानी 40 के आसपास आपका वो कटेगा, और ये 326 320 आपका हेज में आपको एग्जैक्टली वहां पे 120 का प्रीमियम खरीदा था, 200 पॉइंट का प्रॉफिट था वहां पे, और 126 का प्रीमियम, दूसरा प्रीमियम जो था वो भी आपका करीब करीब 80 पॉइंट का लॉस था, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं 80 पॉइंट का लॉस था और करीब 200 पॉइंट का प्रॉफिट था, राइट। तो यहां पे मैंने एग्जैक्टली लोगों को बताया, और बताया कि वाई आई एम ट्रेडिंग ये भी बताया, ऐसा नहीं है कि मैं खाली आपको कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूं। एक दो दिन मैसेज करूंगा, कुछ लोग नए हैं इसलिए मैसेज कर रहा हूं कि ये लेवल आ रहा है इस पे ध्यान दीजिए, की पाई जोन सी, ठीक। देखिए 462 का नया हाई, वहां तक लोग कुछ लोग वेट कर रहे थे, राइट। की बनाई और आई जोन सी 2500 लेवल, जीरो लेवल मतलब 00 लेवल से 25 के आसपास था, कैम 26, ठीक, एसएल 18 और 18-14, राइट, इसका एसएल हिट हुआ, एग्जैक्टली इसका एसएल हिट हुआ, और इस एसएल के बाद दोबारा मार्केट सी का 12 रुपए 55 पैसे आया। मैं आपको 12 रुपए 55 पैसे दिखाता हूं, ये है सीई अपवर्ड अपवर्ड। देखिए फर्स्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया जब ये 23-24-25-26 कुछ मेंटेन कर रहा था इधर, इस कंडीशन में हाई देखिए इसका 40 तक गया, 26 पे जब बाय कराया गया था तो हाई जो है 40 तक गया था इसका, राइट। 26 पे बाय होने के बाद यहां पे कहीं पे देखिए तो वन से इस गॉट इट एंड हियर, यहां पे आप देखिए उसके बाद मार्केट जो है स्लोली धीरे धीरे वो नीचे आ रहा था। तो उस कंडीशन में कुछ लोगों का नीचे 12-14 तक 14 तक गया, तो वहां पे एसएल कट गया, 14 तक गया 14, मैंने 14-20 के आसपास इसको बाय कराया था, वो मैसेज भी शायद यहां पे होगा। और ये देखिए 12-55 का लेवल क्या था, मार्केट का लो लगा है 13.75 इस कंडीशन में, यहां पे देखिए व्हाट इज द लो 13.15, सिर्फ 60 पैसे 65 पैसे का डिफरेंस था मेरे लेवल से। तो मुझे वो 60 65 पैसे नहीं देखने इस कंडीशन में, 0-0 ट्रेड में 50% का स्टॉप लॉस और 300% का टारगेट मेजर करते हैं, राइट। सो उस 300% के बाद भी अगर आप ट्रेल कर पाए तो ट्रेल कीजिए उसको, 100% का ट्रेल कीजिए, मतलब 20 पॉइंट 15 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी आप मैक्सिमम ट्रेल कर पाए उतना ट्रेल कीजिए। चलिए वो ट्रेलिंग कहीं ना कहीं तो कट ही जाएगा, उसकी कोई मैटर नहीं है, मार्केट गई है 201 का ही, राइट। 12 रुपए 55 पैसे या 13 रुपए 20 पैसे या मेरा एंट्री लेवल 14 रुपए 20 पैसे, राइट। 12 रुपए 55 से 50 का स्टॉप लॉस और 300% का टारगेट, राइट। अभी 14 रुपए से 40 रुपए गया, 14 रुपए 5 पैसे पे ये मैंने मैसेज किया था जब 14 रुपए 5 पैसे के आसपास कैंप चल रहा था, हमारी ट्रेड भी हुई थी और उसके बाद वो 40 का हाई मारा उसने। सो फर्स्ट हाई आप एज्यूम करें 38 38 40, राइट। सेम हियर, इमीडिएटली सेम हियर, सो 12 चौक 48, 300 से ज्यादा मिल गया, राइट।
अगर हम कैलकुलेशन आपको इसी पॉइंट से करना है ना कि आपके एंट्री पॉइंट, आपने 16 पे एंट्री किया तो वहां से 3300% देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 12.55 का एक लेवल है, 13 पे ट्रेड किया, 14 पे ट्रेड किया, 300% आप वहां से ट्रेड करना शुरू कीजिए। मेरा पहली बार में 38 गया तो मेरा ट्रेडिंग ऑब्वियसली 10% का, 15% का, 20% का और मे बी 100% का टारगेट मेरा कट जाएगा, यानी 8, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट कुछ भी मैं लेके निकलूंगा यहां से। चलिए अब दोबारा से जिन लोगों ने बड़ा ट्रेल किया, 300% का टारगेट और वेट किया, तो यहां से लेके आप नेक्स्ट हाई देखिए, आप 66, अगेन हाई 69, अगेन हाई 81, और अगर यहां की बात करें तो ये हाई आपका आया 81। राइट, सो मार्केट हाई इज 81, अगेन ट्रेलिंग हिट। अब बात ये आती है कि इसके बाद क्या हुआ, यहां पे देखिए क्लोज इज 4965। मैंने लोगों को मैसेज किया अगर मार्केट 50 के ऊपर मेंटेन करती है, क्लोज देती है, तो प्लीज होल्ड योर पोजीशंस और कंटिन्यू विद दैट। मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई, लो क्लोज नीचे था, मार्केट दोबारा ट्रेस किया, यहां पे मैंने एग्जैक्टली 12:35 में फिर से मैसेज किया मार्केट क्लोज अपसाइड और प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट लेवल। अब 50 के लेवल पे क्लोज दिया उसने, क्लोज देखिए 51 का, हाई देखिए 81 का। सो 52 81, 52 53 281 आल्सो मोर देन 60%, यहां भी आपको दोबारा से प्रॉफिट मिला। अब दोबारा फिर दिखाता हूं, मार्केट वापस आया, आपका ट्रेलिंग कट गया होगा, जिस भी वैल्यू पे कटा हो, दोबारा फिर से 50 पे क्लोज। मैंने ये सारे मैसेज यहां पे लोगों को प्लेस किए हैं, 13.6248, सॉरी 27.4 एंट्री, और इसके बाद मैं देख रहा हूं इफ क्लोज अबो 50 मोर गोज अप। ओके, अगर ये 50 के ऊपर क्लोज होता है तो और ऊपर जाएगा। अब ये किसी ने मैसेज किया था सर 50 लेवल रीच दिन सी कैन वी डू इट, न्यू हाई 130 बाई पी 112 SL। अभी ये जो है ये वैल्यू बाई पी, राइट, ये निफ्टी निफ्टी का वैल्यू था और यहां पे SL 112 105 न्यू हाई 168, राइट। ये बहुत सारी ट्रेड आज दिन में जितनी भी ट्रेड आई, अब देखिए 118 पे सी बाय किया गया था और 102 103 का एसएल था, उसने इमीडिएटली हाई मारा, क्या था यहां कहीं बाय था, सॉरी ये 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 इस वैल्यू पे, राइट, यहां पे देखिए, तो यहां पे 118 पे बाय हुआ, 177 का हाई है, 178 का हाई है, इस वैल्यू पे बाय हुआ, 200 प्लस का हाई है, ये कंटिन्यू चलता रहा। आज बहुत सारी ट्रेड आई और हमारा एक पी में स्टॉप लॉस भी हुआ, पी साइड में हम कहीं में भी, यहां पे पी साइड में अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक बार स्टॉप लॉस हुआ था 176 एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूं 176 के आसपास वो मार्केट था, 151 क्लोज, हाई इज 169 और आई थिंक या दिस वन मार्केट ने क्लोज देखिए 178 पे दिया और 176 पे एंट्री थी, तो जब एंटर हुआ तो इमीडिएटली यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ, एक इमीडिएट स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया, लो 94 का है, 108 के ऊपर क्लोज दिया, 108 से सीधा 169 गया। तो आप उस चीज को क्यों नहीं कंसिडर करते, 110 पे हुआ, 120 पे हुआ और 170 गया, तो आपको तो आप देखिए 100 रुपीज का वैल्यू का आपका 170 और 70% होता है, राइट। यहां पे हमारा फिर से ट्रेलिंग कटा, ठीक, आपको 20% ही मिला होगा, चलिए मैं छोड़ देता हूँ 40, 30, 50% की मैं बात ही नहीं कर रहा, 20% मिला होगा, बट देन आफ्टर कंटिन्यूसली मार्केट क्लोज डाउन, यहां पे आपका ये टच नहीं हुआ, ठीक है, दोबारा से आपको एंट्री यहां पे मिला होगा 50 का। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने मैसेज भी किया सर क्या हम उसको दोबारा बाय करें, उसको देखें, वो एक टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज होंगे जो ट्रेड बनी थी और सी बोट 150 ये चलता रहा, कैंप इतना इतना, ये टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने मैसेज भी किए कि ये चल रहा है, यहाँ पे बाय होगा और न्यू हाई 52 201, राइट, और यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया इसको, मैंने मैसेज में ये वाली ट्रेड को एक्सप्लोर नहीं किया कि 50 के ऊपर क्लोज हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे 50 पे एग्जैक्ट बाय किया था और मार्केट जो है मिनिमम जो गया वो 33 तक गया, 17 पॉइंट नीचे गया, बट स्टिल दे आर वेटिंग, मार्केट बार बार ऊपर क्लोज दे रहा था, तो वे 50 पे करके कुछ लोगों ने 125 पे निकला, कुछ ने 150 पे निकला, यहां तक कोई वेट नहीं कर पाया, तो मैं इसको मतलब ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, बट ये लेवल एग्जैक्टली 50 का ही था। 50 से जब हम एक स्ट्राइक प्राइस को, इसका हाई देखिए 315, जब हमने यहां 12 से लेके 201 देखा, पहली फर्स्ट ट्रेड में अगर मैं बात करूं 100 रुपीज से 700 देखा, तो ये भी देख सकते हैं, तो हमारे लेवल बेसिकली ये 50 का लेवल था, ये वाला लेवल था, 12.5 का लेवल था, 50 के ऊपर क्लोज का लेवल था, सो एवरी लेवल विल वर्क फाइन। चलिए निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में भी सेम कुछ हुआ, मैं इसको कर देता हूँ
देर इज अ फोर विंडोज, बैंक निफ्टी 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 बैंक निफ्टी, ओके। किसी को डाउट ना हो कि बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक निफ्टी ही क्यों दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी हम एक प्रोडक्ट हमेशा एक्सपायरी का यूज करते हैं और एक प्रोडक्ट हम नॉन एक्सपायरी मतलब नेक्स्ट डे एक्सपायरी का हम यूज करते हैं। तो ये दोनों बैंक निफ्टी है तो निफ्टी का देख लगा देता हूं मैं। CNP, ओके। देखिए एग्जैक्ट लेवल ऑफ फैसिलिटी यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ा ना। लो वैल्यू 91 क्लोजेस 106, राइट। हमारा क्या था, 91 इज अ लेवल, 91 और 118। तो वो एग्जैक्टली जब उसके ऊपर मार्केट गया पहले ही, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका ये यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी हो सकता है, हुआ भी होगा, देर इज नो रीजन। यहाँ पे फर्स्ट लेवल के ऊपर गया, क्लोजिंग बेसिस पे आपने बाय कर लिया हो, सो आपका इमिडिएटली स्टॉप लॉस हो गया। अब मार्केट केम बैक सेकेंड लेवल, सो एक को SLT के ऊपर जाना चाहिए, एक को नीचे आना चाहिए, ऑब्वियसली द फर्स्ट एड रूल, राइट। सो इस कंडीशन में ये ऊपर नहीं गया, अगेन मार्केट आपके यहीं पे मेंटेन करती रही, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको देखें इस कंडीशन में वो अपर साइड से डाउन डाउन की तरफ आ रहा है। ये क्लोजिंग वैल्यू एग्जैक्टली टच करके क्लोजिंग दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, एग्जैक्टली इसने लो को टच किया देन क्लोज अपसाइड। सो एक सिंपल लेवल ट्रेडिंग लाइक दैट। अगर आपका ट्रेड यहाँ पे कोई नहीं है पहली दूसरी कैंडल में, दूसरी और तीसरी कैंडल में, तो आपका थर्ड कैंडल में 9:30 पे एक ट्रेड बन सकता है, उसका एसएल हिट होगा और यहाँ पे भी सेम टाइम पे एक ट्रेड बनेगा, ठीक। पहले सी में आप एंटर करेंगे फिर पी में आपको एंटर करना पड़ेगा। सो इमिडिएटली चलिए थोड़ा थोड़ा आपका 10-12 पॉइंट का, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑलवेज फिक्स है, स्टॉप लॉस हमेशा एक पर्टिकुलर परसेंटेज है और टारगेट भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद हमें ट्रेड करते हैं, हमें ट्रेड करना है और करते भी हैं, राइट। अब हुआ क्या है, यहां पे ट्रेड करने के बाद ये हाई देख लीजिए, उसके बाद सेकंड लेवल पे देख लीजिए, हमारा जो था SLT लेवल, सॉरी एक मिड पॉइंट लेवल था, देखिए मार्केट का लो था 31-35, हमारा एक लेवल था 25 का, क्या लेवल था, बाय एंट्री इन निफ्टी 27.60, और मार्केट कितना गया, 4 पॉइंट ऊपर से मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई मार्केट ना तो टच किया ना कुछ किया, लेकिन हमारे पास एक और लेवल था मिड लेवल, द सेम प्राइस पॉइंट इज मिड लेवल 45-55, राइट। अब 45-55 के ऊपर क्लोज देने के बाद हम देखिए दोबारा मार्केट जो है नीचे नहीं आया, ये क्लोज दिया, ठीक है, एंट्री हुए, उसके बाद लो 38, राइट। सो ए मार्केट गोज अपसाइड और वो वहां पे इजीली आप 20-30% निकाल सकते हैं। सेम इसमें भी हुआ, 58 के आसपास आया, 58 से 184 आया, तो यहां पे भी एक लेवल आप देखें 63 का लेवल है एक हमारे पास, एक 45-55 का लेवल, दो लेवल है। तो 45-55 लो वैल्यू 61, ठीक, क्लोज 73, तो आपके पास मिल गया ना वो 63 के ऊपर क्लोज मिल गया ना आपका, 63 का मैं लाइन ड्रा कर देता हूं, 63-45, देखिए एग्जैक्टली हिट एंड क्लोज अपसाइड। सो 63-45 इज आर बाय एंट्री टू लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, वहां पे आपको एंट्री मिला। क्लोजिंग बेसिस पे मैं देखूं तो 65-60 का क्लोजिंग बेसिस है, उसके बाद मार्केट का हाई देख लीजिए 91-91 के ऊपर चला तो उसके ऊपर ही रह गया, आपका ट्रेलिंग कटा होगा 20-30-40% जो भी कुछ मिला होगा। सो होप गाइस आई थिंक एवरी वन अंडरस्टैंड। पहले मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहले SLT लेवल की लाइनें ड्रा कीजिए, सुबह सुबह स्पीड अप मूवमेंट होती है नहीं पता चलता, आज कंसोलिडेट थी इसलिए किसी के एक दो स्टॉप लॉस भी हुए होंगे, बट होल्ड ए द वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक एवरीबडी हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड सम प्रॉफिट, इफ कोई पेपर ट्रेड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चलो जो भी है, मैं कोई प्रॉफिट गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं अपने लेवल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ और आपको उसके साथ बने रहना है, कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, हमारा जो स्टॉप लॉस रूल है उसको अप्लाई कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग रूल है उसको अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली यू गेट एवरीडे ग्रीन, एवरीडे ग्रीन, और बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं आप अपने, चाहे वो अमाउंट आपका 10,000 का पोर्टफोलियो है, चाहे 10 लाख का, मैं 10,000 वाले को भी पोर्टफोलियो कहूंगा, वो भी किसी ने भी अगर आप उसको यूज किया तो अपने लिए कुछ काम करने के लिए निकालने के लिए ही यूज कर रहे होंगे। सो आप चाहे एक लोट में ट्रेड करें चाहे 10 लोट में ट्रेड किए, देर इज अ नो मैटर, कंसेप्ट एवरीवेयर इज सेम, राइट। चलिए और बाकी बातों में इसमें और कोई खास वो नहीं है, आज का ये वीडियो बनाना था, कुछ लोगों के कंफ्यूजन थे। कल हम ऑब्वियसली निफ्टी करेंगे,
कल एक्सपायरी है, निफ्टी और सेंसेक्स ट्राई करेंगे कि दोनों को किया जाए। बेसिकली हमारा एक थम रूल है, डे बिफोर एक्सपायरी एंड आफ्टर एक्सपायरी, एक्सपायरी डे और डे बिफोर एक्सपायरी। सो एक हम अगली एक्सपायरी, अगले दिन की एक्सपायरी जिसकी होती है वो प्रोडक्ट ट्रेड करते हैं, और एक सेम डे एक्सपायरी का प्रोडक्ट ट्रेड करते हैं। तो कल ना हम फिन निफ्टी देखें, ना मिड कैप निफ्टी देखेंगे, ना कुछ देखेंगे। फ्राइडे के दिन सेंसेक्स और बैंकेक्स देखेंगे, मंडे को बैंकेक्स और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी देखेंगे। सो इस तरह का हमारा एक कंसेप्ट है, उसमें हीरो जीरो ट्रेड भी हैं, हैजिंग भी हमने की है, और मल्टीपल लेवल्स पे मल्टीपल ट्रेड आज किया है। तो सुबह एक्सेल अपडेट नहीं हुई थी बिफोर 9:30, सो आई डोंट थिंक सो एनीबडी कट देयर स्टॉप लॉस, क्योंकि सुबह जब एक्सेल ही मैंने 9:30 पे अपडेट की तो 9:30 के बाद जो ट्रेड आया है वहां से ही हमने स्टार्ट किया था। तो स्टॉप लॉस कटने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने जल्दबाजी में कोई ट्रेड कर दिया हो कि लेवल अपडेट हुए हैं कि नहीं हुए, और शायद मे भी कन्फ्यूजन रहा हो स्ट्राइक प्राइस को लेके, क्लोजिंग प्राइस को लेके, क्योंकि कंसेप्ट मैं सभी को बताता हूँ। बाय देखिए, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर है, कोई लैगिंग, कोई मेरे हमें हमारे साथ भी कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर ना चले, रन ना करे, या फिर कोई इंटरनेट का कोई इशू है, या कोई सर्वर का कोई इशू है, तो वो दो दिन अभी हमारे साथ हुआ है, उसको हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और वो 9:20 पे कई बार अपडेट नहीं कर पाता, इसलिए वो इशू रहा आज भी। बट 9:30 पे एग्जैक्टली हो गया था, और 9:30 के बाद ही हमने ट्रेड स्टार्ट किया था, और वी गॉट ऑल ट्रेड्स, एक्सीलेंट मूवमेंट टूडे, और सभी लेवल पे हर तरह का ट्रेड हुआ। बाय एंट्री 1 का लेवल भी आया, 2 का आया, हीरो जीरो भी आया, SLT 1 और 2 भी आया। सो होप गाइस ऑल यू अंडरस्टैंड, ये कोई लैगिंग टूल नहीं है, एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आप ध्यान देंगे और समझना चाहेंगे तो जब जब लेवल आएगा मार्केट हैव ए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल। और बहुत बड़े आप कंफ्यूज मत होइए, ये मैंने कोई सुबह सुबह लेवल नहीं लगाए हैं सभी में, ये लेवल मैं टाइम टू टाइम लगाता गया। पहले दो लेवल लगाए दोनों चार्टों पे, फिर दो लेवल लगाए इधर वाले चार्टों पे, उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे बच्चों ने लगाया है या मेरे कुलीग्स ने लगाया है, तो ये लेवल कंटिन्यूसली जैसे मार्केट अप एंड डाउन साइड जाती है, मैं उसके रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल और उसके नेक्स्ट लेवल में ढूंढता रहता हूं, और मैं वो कंटिन्यूसली प्लॉट करता हूं। अभी आपको चार्ट में बहुत सारी लाइनें होंगे, तो अननोन आदमी देख के नहीं समझ सकता कि ये इतनी सारी लाइनें कौन लगाएगा सुबह सुबह। नहीं, पहले दो लाइनें लगाइए SLT SLT 2, उसके बाद जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे आप कंटिन्यूसली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन नेक्स्ट लेवल आप लगाते जाइए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अभी कल के सेशन के लिए, कल और परसों के सेशन के लिए शायद जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ओपन रहेगा, और सभी के लिए ओपन है वो। सो जितने भी लोग, कुछ इंक्वायरी थी लास्ट वीडियो की, कुछ पहले ट्रायल ले चुके हैं, कुछ लोग पहले भी देख के जा चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस मैंने बता दिया, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज का जो भी वैल्यू हो उसका ATM प्राइस आपको चूज करना है, क्योंकि AXL जो है पेड है, इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है, AXL नहीं मिलेगी किसी को, सिर्फ ये हो सकता है कि बाय CE बैंक निफ्टी CE, तो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा है वो आपको नहीं पता चलेगा, आपको खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सोरा।